Okay. तो लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी इन फॉर्मुलेशन वे. हम लोगों ने फॉर्मुलेशन वे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ए यूनियन बी यूनियन. अब हम और करते हैं इसके इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन, कंपाउंड इवेंट्स के क्वेश्चन है, एक साथ जो दो या दो से ज्यादा इवेंट चलती हैं, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अ बैग कंटेन फाइव व्हाइट एंड सेवन रेड बॉल. हियर इज योर बैग. करा बैग कंटेन फाइव व्हाइट सेवन रेड एंड फोर ब्लैक बॉल. फाइव व्हाइट सेवन रेड. फाइव व्हाइट है, सेवन रेड है एंड फोर ब्लैक बॉल. क्लियर. करा बैग कंटेन फाइव व्हाइट सेवन रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स. ठीक. अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे. इफ फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. फोर बॉल्स, वन टू थ्री फोर. फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. मैं लिख देता हूं, द वर्ड इज व्हाट? विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक एक करके निकाला और रखा, निकाल के रख देंगे फिर से उसमें. दैट इज द मीनिंग ऑफ विद रिप्लेसमेंट. ठीक. तो एक बैग में फाइव व्हाइट है, सेवन रेड है, फोर ब्लैक बॉल है. फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. तो पूछ रहा आपसे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट नन इज व्हाइट. प्रॉपर्टी निकालनी है मुझे, नन इज व्हाइट. कह रहा एक भी व्हाइट ना हो, नन इज व्हाइट. ठीक है ना, एक भी व्हाइट ना हो तो ठीक है. अगर एक भी व्हाइट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आसानी से व्हाइट वाले को से ब्लॉक कर लूंगा ऐसे. एक भी व्हाइट ना, इनमें से निकाली होगी अपने सेवन रेड और फोर ब्लैक से, तो सेवन प्लस फोर कितनी हो गई, इलेवन. यानी इलेवन से आप हर बार एक एक करके बॉल निकालते जा रहे हैं और टोटल कितनी है, टोटल है फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन. तो रिक्वायर्ड प्रॉबर्टी होगी इफ फर्स्ट बॉल इज नॉट व्हाइट, व्हाइट नहीं है, तो इस इलेवन में से आई होगी बॉल आपके पास, तो इलेवन में से वन आई होगी, इलेवन सी वन अपॉन सिक्सटीन सी वन. दिस इज द प्रॉबर्टी ऑफ फर्स्ट बॉल जो व्हाइट नहीं है. ऐसे सेकंड वाले भी नहीं होगी, 11 C1 अपॉन 16 C1. ऐसे थर्ड वाले के लिए भी सेम, 16 C1, 11 C1 अपॉन 16 C1. क्योंकि विद बोल रहा है ना, इसलिए एक एक करके सारे में लिखते केस चला गया. यानी इसको मैं लिख सकता हूं 11 अपॉन 16 रेज टू पावर 4. दैट इज व्हाट, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी. क्या कि फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाई वन, उसने बोला आपसे, और फिर क्या कह रहा है कि नन इज व्हाइट और विद रिप्लेसमेंट था. हियर दिस इज इंपॉर्टेंट, विद रिप्लेसमेंट था, एक भी व्हाइट नहीं है, तो व्हाइट को ब्लॉक करके इन दोनों से मैंने एक एक करके बॉल निकाल ली. तो 11 अपॉन 16 रेज टू पावर 4, ये था इसका फर्स्ट पार्ट. सपोज दैट अगर सेकंड पार्ट में इसी में पूछता, अब मैं विद की जगह विदाउट लिख देता. सपोज इफ यू राइट विदाउट रिप्लेस ऑफ विद, यानी सेम क्वेश्चन होता कि एक बैग है, फाइव व्हाइट सेवन रेड फोर ब्लैक बॉल्स है, फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट. And our question is, none is white. एक भी white नहीं है. तो उस केस में क्या लिखते हैं? पहला तो ये केस बनेगा 11 C1 upon 16 C1. लेकिन एक एक करके अब आपकी बॉल डिक्रीज हो जाएंगी वन बाय वन. यानी क्या होगा, एक भी व्हाइट नहीं, तो अब आप एक एक करके इसको डिक्रीज करेंगे. तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 10 C1 upon 15 C1. यहाँ क्या लिखेंगे, 9 C1 upon 14 C1. यहाँ क्या लिखेंगे, 8 C1 upon 13 C1. यानी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13. इसको सिंप्लीफाई मोड में ले लेंगे. दैट इज व्हाट, दैट इज क्या कि फोर बॉल से निकाली है आपने, फोर बॉल निकाली और उसमें से एक भी वाइट नहीं है, आपने एक एक करके उनको बॉल को कम कर लिया. ये मेरा केस था विद का, ये था मेरा केस विदाउट का. आई होप सो दिस इज क्लियर कंसेप्ट, राइट. आज मैं सारे इसी में और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन करूंगा वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. क्लियर. अब मैं आता हूं नेक्स्ट केस में. इनको ध्यान से नोट करते जाएंगे, स्क्रीन शॉट भी लेते जाएंगे, मेन मेन पॉइंट्स लिखते भी जाएंगे, जिससे आपके नोट्स बन जाए. क्लियर. तो ये इस तरह से एक मैंने केस कंप्लीट किया आपके साथ. अब देखें, जैसे
एक और केस लेते हैं, कह रहा अ बैग, मेरे पास एक और केस है, कह रहा बैग कंटेन्स 3 red 5 black balls, कह रहा मेरे पास एक बैग है कंटेन 3 red and 5 black, 3 red और 5 black balls है मेरे एक बैग में, एक और बैग है उसे एक और बैग बोला, एंड द सेकेंड बैग इज हेयर 6 red and 4 black, यहां बोला वो 6 red and 4 black, तो वी हैव एक्चुअल वी हैव टू बैग्स, हमारे पास टू बैग्स हैं, फर्स्ट में 3 red 5 blacks हैं, दूसरे में 6 red and 4 black balls हैं, ठीक ऐसे से रखिए। कह रहा अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, एक एक बॉल दोनों बैग से निकाली गई, वन वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग। अब आगे डिस्कस करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालना है, फर्स्ट पार्ट दे आस्किंग, कह रहा वन बॉल निकाली है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट बोथ आर रेड, फर्स्ट पार्ट उसने बोला बोथ आर रेड, कह रहा दोनों रेड आ जाएं, प्रोबेबिलिटी बताएं, फाइंड द प्रोब बोथ आर रेड, यानी मेरे पास दोनों ही रेड आ जाएं, तो ठीक है दोनों से आप एक एक रेड ले लीजिए, तो यहां से रेड लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3c1 upon टोटल कितनी है 8, तो 8c1, यहां से रेड लेने की क्या होगी 6c1 upon 10c1, तो फाइनल आंसर 3/8 × 6/10, ठीक, तो 3/8 × 6/10 दैट इज व्हाट बोथ आर रेड, यहां से रेड ले ली और सेकंड वाले से भी आपने रेड ले ली, तो 3/8 × 6/10, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा बोथ आर ब्लैक, अगर कहता बोथ आर ब्लैक तो ये भी बहुत आसान हो गया, सिंपल कंडीशन है, तो 5c1 upon 8c1 और यहां से 4c1 upon 10c1, यानी 5/8 × 4/10, ये मेरे पास आ गया केस, ठीक, पहला पार्ट था बोथ आर रेड, सेकंड पार्ट था बोथ आर ब्लैक। अब मैं थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेता हूं, कह रहा है बैग है एक एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी निकालिए, वन इज रेड अदर इज ब्लैक, अब आपके पास यहां से केसेस बनके तैयार हो जाएंगे, जैसे वो बोलेगा कि वन इज रेड अदर इज ब्लैक, तो आपके यहां से केसेस बनेंगे, अगर यहां से रेड ली है तो यहां से ब्लैक ली होगी, या यहां से ब्लैक ले लेगा यहां से रेड ले लेगा, तो फर्स्ट केस यहां से रेड ले रहा है और यहां से ब्लैक ले रहा है, तो यहां से रेड लिया 3c1 upon 8c1, यहां से रेड लिया तो यहां से ब्लैक लेगा, तो यहां से ब्लैक है 4c1 upon 10c1, फर्स्ट केस यहां से रेड है और यहां से ब्लैक, सेकंड केस तो प्लस लगाते हैं, जब प्रोबेबिलिटी हमारे केसेस बनते हैं तो बीच में क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं, तो यहां से रेड और यहां से ब्लैक है, अब इसको रिवर्ट कर देते हैं, या यहां से ब्लैक करें यहां से रेड करें, तो यहां से ब्लैक करेगा तो क्या आएगा 5c1 8c1, यहां से ब्लैक है तो यहां से रेड आ रही होगी, तो रेड क्या होगी 6c1 upon 10c1, तो दो केसेस तैयार हो गए, दिस वन एंड दिस वन, और दोनों को उठा के आप ऐड कर देंगे, तो ये थर्ड केस था मेरा, एक ब्लैक आ जाए और मेरे पास एक रेड आ जाए, क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके, तो इनसे भी हमें अलर्ट रहना है ऐसे क्वेश्चन से, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, आज प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे सारे सारे वर्ड प्रॉब्लम में, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा अ बैग कंटेन 5 white 7 red and 8 black, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक बैग है कंटेन 5 white 7 red 8 black, 5 white 7 red or 8 black ball, ठीक है, कह रहा 4 balls are drawn 1 by 1 with replacement, ध्यान से 4 balls are drawn 1 by 1, क्या बोला है विद रिप्लेसमेंट, द वर्ड इज विद रिप्लेसमेंट, ठीक,
फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. तो प्रोबेबिलिटी कह रहा फाइंड द प्रॉप दैट एटलीस्ट वन इज वाइट. प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट वन इज वाइट. कह रहा कम से कम कोई एक तो वाइट आ जाए. तो एक बैग में फाइव वाइट सेवन रेड एट ब्लैक बॉल है. फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रॉप एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट. एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट. तो मैं क्या करता हूं, वाइट की कितनी है फाइव. तो फाइव बॉल्स हैं. तो अगर एक वाइट बॉल की आती प्रोबेबिलिटी तो पी डब्ल्यू लिख देता हूं, यानी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी. तो फाइव सी वन अपॉन टोटल कितने हैं, सात में बारह आठ बीस ट्वेंटी, ट्वेंटी सी वन, यानी एक वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई फाइव बाय ट्वेंटी. यानी इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा वन बाय फोर. यानी अगर एक बॉल आएगी तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज वन बाय फोर आने की. हाँ मैं बोलूं अगर ना है, आने की है वन बाय फोर, तो ना आने की क्या होगी, पी डब्ल्यू बार लिख लेते हैं, यानी वन माइनस वन बाय फोर. तो आंसर आ गया थ्री बाई फोर, ना आने की प्रॉबर्टी ये होगी. अब अपने क्वेश्चन को हैंडल करते हैं. कह रहा कि फोर बॉल्स निकालिए वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट, एटलीस्ट वन इज वाइट, यानी कम से कम एक तो वाइट आ जाए. मैंने कहा सपोज कि चार बॉल निकाली एक भी वाइट नहीं है. पहले मैंने ये सोचा कि जो चारों बॉल निकाली उसमें से एक भी वाइट नहीं है. तो पहली वाइट नहीं है थ्री बाय फोर, दूसरी नहीं है थ्री बाय फोर, तीसरी नहीं है थ्री बाय फोर, एंड द फोर्थ वन नहीं है थ्री बाय फोर. तो ऑल बॉल्स की वाइट बॉल्स ना आने की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख ली थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर इंटू थ्री बाय फोर. मतलब क्या हुआ, एक भी बॉल वाइट नहीं है. अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके अगर मैं वन से माइनस कर देता हूं, ऐसे ऐसे मैं वन से माइनस कर दूं, इनका मल्टीप्लाई करके वन से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन इज वाइट. कम से कम कोई एक बॉल तो वाइट आई जाएगी. एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जब एटलीस्ट बोले आप पहले उनके ना होने के निकाल लें कि एक भी बॉल इसमें से वाइट नहीं है. अब उसको आप वन से माइनस कर देंगे तो इससे क्या केस बन जाएगा, इससे केस बन जाएगा एटलीस्ट वन इज वाइट. क्लियर, तो इस तरह से इस मेथड से करेंगे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा ये. ठीक, अब यहां मैं एक दो चीजें और डिस्कस करूंगा बैटिंग के बारे में. उसमें मैं वर्ड बोलूंगा ऑड अगेंस्ट, ठीक है ना, दो तीन वर्ड होंगे ऑड अगेंस्ट करे अगेंस्ट करेगा या उसके फेवर में होगा ऑड इन फेवर, दो वर्ड होंगे इनसे अलर्ट रहना. जैसे ऑड इन फेवर की बात करता है, ऑड इन फेवर तो इसका मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी इसका रेशियो जो देगा वो दे देगा जैसे एम इज टू एन. तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इवेंट के होने की हो जाएगी एम अपॉन एम प्लस एन, होने की प्लस ना होने की. तो टोटल सैंपल स्पेस बन गया, तो ये इवेंट के होने की प्रॉबर्टी आ गई. जब फेवर होगा तो क्या होगा, इवेंट को कराने की बात करेगा. और अगर वो ऑड इन अगेंस्ट बोले, अगेंस्ट मतलब वो नहीं चाहता कि ये इवेंट हो, ना होने की प्रॉबर्टी, तो उसको रिवर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा. ये आगे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. ठीक, तो दो वर्ड से अलर्ट रहना. ऑड इन फेवर मतलब जो भी रेशियो देगा तो वो उसके होने की है, और ऑड इन फेवर है उसके ना होने की. इसी को निकाल के वन से माइनस कर दोगे तो ऑड अगेंस्ट भी आ जाएगा. एक भी आपने निकाल लिया, जैसे ऑड इन फेवर की बात की, कहते हैं ना कभी कभी रेशियो में हम लोग बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो रेशियो वाले क्वेश्चन में ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट देगा. जैसे इसमें एक बात मैं बोलूं, एक चीज क्लियर करता हूं आपके माइंड से, जब मैं रेशियो दे देता हूं तो उसमें देखिए इसको कैसे यूज करते हैं. कह रहा किसी इवेंट के होने की जो रेशियो है ऑड इन फेवर, कह रहा वन इज टू टू है, फेवर की बात हो रही है, तो बताओ उसके इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अच्छा फेवर की बात आप बोलेंगे वन अपॉन वन प्लस टू, तो आंसर आ गया वन बाई थ्री. अब अगर इसको आप वन से माइनस कर दें ए बार, तो वन माइनस वन बाई थ्री आंसर क्या आ जाएगा टू बाई थ्री. तो ये क्या हो गया, ये आपका अगेंस्ट बन गया, ये क्या है, ये आपका फेवर बन जाएगा. तो रेशियो ऐसे दिया जाएगा. ठीक, तो ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट होता है. जब हम लोग से बैटिंग करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है,
जो वीक कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे उसने बोला कि 2020 मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में देखा गया, स्टैट्स देखे गेम की, तो इंडिया स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है एट प्रेजेंट बांग्लादेश के कंपेयर में। तो जब बैटिंग की जाएगी तो इंडिया वाले की वैल्यू कम होगी, वैल्यू लेस होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, मच बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे बैटर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं जैसे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है 1:2, मतलब अगर आप बैटिंग में कन्वर्जन होता है रुपीज का, तो 1:2 है, यानी आप 1 रुपीज देंगे तो उसका डबल हो जाएगा इंडिया बांग्लादेश में इफ इंडिया वॉन द मैच। और वही उसी में बोलते हैं बांग्लादेश के लिए 1:40 ऐसे लिख देंगे, मतलब इफ बांग्लादेश वॉन द मैच 1 का 40 टाइम्स हो जाएगा। तो दीज आर वॉट, दीज आर द बेटिंग इन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये फेवर और अगेंस्ट इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब फेवर अगेंस्ट की बात करेगा तो मेरा कहने का मतलब, तो जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, तो जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कम होगी, वीकर वाले की ज्यादा होती है इसमें। वीकर मतलब जो आपको लग रहा कि नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये वर्ड भी आते हैं जैसे इसमें, अब देखो जैसे इस पे बेस एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तो 1 मार्कर का किया मैंने, 1:2 लेके, तो आपने फटाफट बता दिया, ठीक। आप देखो इसी पे मैं बात करता हूं, कह रहा है द ऑड अगेंस्ट ए सॉल्विंग ए सर्टेन प्रॉब्लम आर 4:3। ऑड अगेंस्ट बोला उसने, क्या बोला, ऑड अगेंस्ट। तो जब ऑड अगेंस्ट की बात करेगा तो बोला है द ऑड अगेंस्ट ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 4:3। 4:3 मतलब क्या हुआ कि 4:3 का रेशियो होगा, ठीक। वो लिख रहा है 4:3 यानी 4:3, यानी अगर ए इवेंट ले लें ना होने की तो क्या लिखेंगे, 4/4+3, 4/7 इसके ना होने की है, अगेंस्ट है ना, तो ना होने की है, बार लगा लिया तो होने की क्या होगी, 1 से इसको माइनस कर दे, 1 -4/7, तो ये आ जाएगा 3/7। तो इवेंट होने की प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी, ठीक है। और फिर कह रहा है एंड द ऑड इन फेवर ऑफ बी सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम 7:15। ये ए के लिए, मिस्टर ए के लिए बात बोली, अब मिस्टर बी के लिए बोल रहा है ऑड फेवर की बात कर रहा है, द वर्ड इज फेवर। मिस्टर बी के ऑड इन फेवर दे रहा 7:5, मतलब 7:5, तो मिस्टर बी के इवेंट के होने की प्रॉपर्टी क्या आ गई, 7/7+5, तो ये आ गया 7/12 होने की। तो इसके ना होने की प्रॉपर्टी क्या होगी, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5/12, दिस इज नॉट 5/12, ना होने की, ठीक। तो कह रहा व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो कह रहा प्रॉबर्टी निकालो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, पहले तो मैंने वही सेम किया, लेट दोनों लोग प्रॉब्लम नहीं कर पाए, ए भी नहीं कर पाया और बी भी नहीं कर पाया। ए के ना करने की प्रॉबर्टी क्या है, 4/7, बी के ना करने की प्रॉबर्टी क्या है, 5/12, यानी ए भी नहीं कर पाया और बी भी नहीं कर पाया, दोनों लोग नहीं कर पाए ना, ना करने की। अब इसको मैं 1 से अगर माइनस कर दूंगा, इसको मैं अगर 1 से माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। 1 से माइनस, दोनों लोग नहीं कर पाए और उनको मैंने 1 से माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, यानी ए कर ले बी कर ले या दोनों कर ले। जब भी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इसका क्या मतलब होगा, या ए कर ले या बी कर ले या दोनों मिलके कर ले, है ना। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। इस चीज को हम ऐसे स्टेटमेंट से दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम वाले पे बात करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके। ये तो मैंने ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट करके किया, अब लिया जैसे मैंने, मेरे पास 3 लोग हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, देयर आर 3 पर्सन, मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ठीक। मैंने एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए तीनों को, मिस्टर ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी की है 1/3, सी की है 1/4। एक प्रॉब्लम दिया है मिस्टर ए की सॉल्व करने की है 1/2, बी की है 1/3 और सी की है 1/4 सॉल्व करने की, ठीक। अब मैंने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए,
मैंने फर्स्ट पार्ट पूछा, प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व, मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए। सेकंड, फिर लिखा मैंने एनी वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ये मैंने सेकंड पार्ट पूछा। फिर लिखा मैंने एनी टू ऑफ देम, फिर लिखा मैंने एनी टू ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक। फोर्थ लिखा प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। फिफ्थ लिखा ऑल ऑफ देम, फिफ्थ लिखा मैंने ऑल ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन से मैंने इतने पार्ट्स आपसे डिस्कस कर लिए, तो अब मैं यहां से करता हूं सॉल्यूशन। ए के सॉल्व करने की प्रॉबर्टी है पी ऑफ ए की कितनी है 1/2, पी ऑफ बी कितना है 1/3, पी ऑफ सी कितना है 1/4, ये इनके सॉल्व करने की प्रॉबर्टी है। इनके ना करने की प्रॉबर्टी, तो 1 से माइनस करें 1 - 1/2, 1/2, बी डैश निकाल ले 1 से माइनस किया तो 2/3, पी सी डैश निकाल ले 1 से माइनस किया तो आ जाएगा 3/4। तो क्या क्या निकाल लिया, प्रॉब्लम करने की, ना करने की, करने की, ना करने की, करने की, ना करने की, इनकी इंडिविजुअल प्रॉबर्टी लिख ली मैंने, ठीक। यहां तक होप सो क्लियर है। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में मैं अटैक करता हूं, फर्स्ट पार्ट वो बोल रहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व, पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने सोचा पहले इसका अपोजिट सोचा कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, इन तीनों के ना करने की प्रॉबर्टी, ये पता है मेरे पास तीनों के ना करने की है 1/2, 2/3, 3/4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, तो 1 से माइनस कर लिया, ये लो 1 से माइनस किया तो क्या आ गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व, तीनों की ना करने की निकाल के 1 से माइनस कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब मैं आया सेकंड पार्ट में, कह रहा एनी वन ऑफ देम सॉल्व, मतलब कोई ए करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे, प्लस बी करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे, प्लस सी करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे, एनी वन ऑफ देम मतलब कोई एक करेगा तो दो लोग नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो फर्स्ट मैंने अगर ए ने कर लिया तो 1/2, तो बी और सी नहीं कर पाएंगे, उनके ना करने के लिए लिख रखी मैंने 2/3, 3/4, ये रहा फर्स्ट केस। प्लस अब बी ने कर लिया 1/3 और ये दोनों नहीं कर पाए, ए की ना करने की 1/2 और सी के ना करने की 3/4। प्लस अब सी ने क्वेश्चन कर लिया 1/4, अब ये दोनों नहीं कर पाएंगे 1/2 एंड ना करने की 2/3। तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया एनी वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जैसे सेकंड पार्ट आ गया तो थर्ड पार्ट आपके लिए आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि उसने बोल दिया कि टू ऑफ देम, है ना, उसने बोल दिया यहाँ पे एनी टू ऑफ देम सॉल्व देम। तो एनी टू ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, एनी टू ऑफ देम का मतलब हुआ कोई दो लोग, तो केसेस क्या बनेंगे, इन दोनों ने कर लिया ये नहीं कर पाएगा, प्लस बी और सी कर लेंगे तो ए नहीं कर पाएगा, प्लस ए और सी कर लेंगे तो बी नहीं कर पाएगा। तो ये क्या केस बन जाएगा, ये केस बनेगा आपका कब, एनी टू ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। इसको भी मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट थ्री केसेस हटा लेता हूं, फर्स्ट केस हटा दिया, सेकंड हटा दिया, थर्ड हटा दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं लिखने जा रहा हूं थर्ड केस यहाँ पे, एनी टू ऑफ देम यानी ए ने कर लिया, आंसर लिख रहा हूं ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, सी नहीं कर पाया तो इसकी ना करने के 3/4, प्लस अब बी और सी ने कर लिया, ए ने नहीं करा तो इसके ना करने के 1/2, प्लस अब ए और सी कर रहे हैं 1/2, 1/4, ये नहीं कर पा रहा तो 2/3। तो ये हो गया एनी टू ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैं फोर्थ पार्ट आ रहा हूं, याला कह रहा प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, नॉट सॉल्व की पता ही है तीनों की ना करने की, तो तीनों की ना करने की हम निकाल ही चुके थे, वो क्या थी 1/2, 2/3, 3/4, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। फिफ्थ पार्ट कह रहा ऑल ऑफ देम, दिस इज वेरी गुड, कंफ्यूज करता है, कहता ऑल ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम यानी सब लोग ही कर रहे हैं, तो ठीक है जब ऑल ऑफ देम है
सबके करने की तो पता ही थी, मल्टीप्लाई कर दे, 1/2, 1/3, 1/4, आंसर आ गया 1/12। कब लगाएंगे? जब बोलेगा ऑल ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर? ये मैंने पांचों पार्ट 1/1 किए, जब क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए जाएंगे। अब इसमें मैं वर्ड्स में कंफ्यूज कर दूंगा आपसे। वर्ड में कैसे कंफ्यूज करूंगा? मैं बोलूंगा एट लीस्ट वन ऑफ देम। क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम कोई एक, एक करे, दो करे, तीन करे, दो करे, तीन करे, या सारे करे। तो उसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया था, यानी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, यानी आपने एक तरह से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लिया। ये मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब। क्लियर? तो इस तरह के इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर आपको हम क्वेश्चन देंगे तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना? इसमें मेरे ख्याल से कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें वर्ड्स में ध्यान से रखना है और समझ के करना, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी कर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना? अब देखो, एक और एक नया क्वेश्चन करता हूं मैं। थर्सडे एंड फ्राइडे, दो दिन, कल भी मैं इसी तरह से सारे वर्ड प्रॉब्लम का एनालिसिस करूंगा, फिर मैं कल आपको इसके असाइनमेंट दूंगा करने के लिए। आप इसको 2-3 दिन में करेंगे, ठीक है? असाइनमेंट करने के बाद फिर मैं एक दिन में आपका एक थोड़ा सा बाइनरी वाला ऑपरेशन था वो मैं कर दूंगा, तो आपका सिलेबस पूरा वाइंड अप हो जाएगा। बाइनरी का छोटा सा पार्ट है कन्वर्जन का, नॉट एन इशू। आई थिंक 15 से 20 मिनट्स की बात, हो सकता है मैं कल ही उसको कर दूं पूरा। फिर आपके मंडे से फिर मैं आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, राइट? रिवीजन। अब कह रहा जैसे आपसे, कह रहा अ बैग ए कंटेन, बैग ए कंटेन 4 red and 5 black, बैग ए कंटेन 4 red and 5 black बॉल। इसमें बैग का नाम भी लिख दिया, स्पेसिफाइड कर लिया कि भाई बैग मेरा ए है, इसमें 4 red and 5 black बॉल हैं, ठीक है? कितने हैं? 4 red and 5 black बॉल है। और बैग बी में है मेरे पास 3 red and 7 black, ये मेरा बैग बी है, इसमें मेरे कितने हैं? 3 red and 7 black, 3 red और मेरे 7 black हैं, ठीक है? कह रहा वन इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड वन इज फ्रॉम एंड टू फ्रॉम बी। यहां से एक निकाली, यहां से मैंने 2 बॉल निकाली। स्पेसिफाइड किया है उसने कि 1 bag ड्रॉन फ्रॉम ए एंड 2 bag ड्रॉन फ्रॉम बी। वहां से 1 बॉल निकाली, वहां से 2 बॉल निकाली, यानी टोटल 3 बॉल निकाली आपने। तो कह रहा जो टोटल 3 बॉल निकाली है, प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 are black and 1 is red। कह रहा 2 तो black आ गए और 1 red आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब आपके यहां से केसेस बन के तैयार हो जाएंगे। देखो यहां तो आपने 1 ही बॉल निकाली है, या तो वो रेड आ जाएगी या वो आपकी ब्लैक आ जाएगी, ठीक है ना? या रेड आएगी या ब्लैक आएगी। सपोज दैट जैसे मैंने पहले मान लिया यहां से रेड आई मेरी बॉल, तो 4c1/9c1 रेड आ गई। तो मेरी अगर यहां से 1 red आ गई है, तो यहां से मुझे 2 बॉलें निकाली हैं, वो दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों ब्लैक होनी चाहिए, क्योंकि मुझे 2 ball black and 1 red चाहिए, रेड ले चुका हूं, तो यहां से दोनों ब्लैक ले लो। तो दोनों ब्लैक कितनी है? 7c2/10c2 हो गई ब्लैक, 7c2/10c2 प्लस। अब मान लीजिए यहां से रेड ना हो गई, यहां से आपने ब्लैक ले लिए, तो 5c1/9c1 यहां से मैंने एक ब्लैक ले लिया। तो जब आपने यहां से एक ब्लैक ले लिए, सपोज ये एक ब्लैक ले लिया, अब तो यहां से जो 2 बॉलें हैं वो क्या क्या होंगी? 1 black होगी और आपकी 1 red होगी, तभी तो मिलके आपकी 2 black and 1 red हो जाएंगी। 1 black ले चुके हो, तो 1 black and 1 red यहां से ले लो, 1 black and 1 red, 3c1/7c1/10 कितनी है? 10c2, क्योंकि वहां से 2 बॉलें निकाली है, इसलिए मैंने वहां पे 10c2 लिखा है, ठीक? ये बना आपका फर्स्ट केस, ये बना आपका सेकेंड केस, और दोनों को उठा के हम क्या करेंगे? दोनों को उठा के हम लोग एड ऑन कर लेंगे। तो एड ऑन कर लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? रिक्वायर्ड केस सॉल्व हो जाएगा।
तो हमें इस तरह से प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक, अब मैं जरा आपके डाउट डिस्कस कर लेता हूं आज के।